एक राष्ट्र एक चुनाव पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान की संरचना संघीय है। राज्यों के अधिकार अलग हैं और केंद्र के अधिकार अलग हैं। राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग हैं। चाहे सरकार के पास बहुमत हो या ना हो, सरकार नहीं हटाई जा सकती है। ये लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का विरोध करता है। हमारा देश बहुभाषी, बहुधर्म, बहुजातीय और अलग अलग संस्कार और संस्कृति वाला देश है। ऐसे देश में संघीय ढांचे से ही सरकार चलाई जा सकती है। यदि यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पास भी हो गया तो ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आई हैं वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। पहली बात तो ये भारत जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, यानी कि राज्यों के अधिकार अलग है, केंद्र के अलग अधिकार है और सबकी अपनी विधानसभा और अलग है और लोकसभा अलग है। टेन्योर सबका 5 साल का टेन्योर है। अब 98 में मिडटर्म पोल हो गया, फिर 99 में मिडटर्म पोल हो गया लोकसभा का, यानी कि 98 में पूरे राज्यों को सरकारें भंग करो, चुनाव करवाओ, 99 में फिर भंग करो, फिर चुनाव करवाओ, ये संभव है क्या? तो ये इसका मतलब यह है कि फिक्स टर्म हो गया, चाहे सरकार के पास बहुमत है तो और नहीं है तो सरकार नहीं हट सकती। ये लोकतंत्र की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही विरोध है इसमें।